नमस्ते जी, फिर हाजिर है एक मजेदार रेसिपी लेकर। हैप्पी सॉल्ट। आज बनाएंगे आलू। वैसे तो आलू एक साधारण सी सब्जी है, पर जितने आलू साधारण हैं, हमारी आज की रेसिपी उतनी ही दमदार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं पंजाबी दम आलू की रेसिपी। इसके लिए हम लेंगे 22 से 25 छोटे साइज के आलू। मैं बहुत ज़्यादा छोटे आलू इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो जल्दी गल जाते हैं और कई बार पकाते हुए टूट जाते हैं। पर ये अपनी अपनी पसंद की बात है, आप चाहें तो बहुत छोटे आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलूओं को बिना उबाले ही छील लेंगे, इससे समय भी बचता है और आलू फटने का डर भी नहीं रहता। कच्चे आलू उबले हुए आलूओं के मुकाबले तलते वक्त कम तेल पीते हैं। छिले हुए आलूओं को पानी में भिगोकर रख देंगे ताकि ये काले ना पड़े। आलूओं को टूथपिक या फोक से गोद देंगे। क्योंकि आलू कच्चे हैं, इसलिए इन्हें गोदने में थोड़ा ज़्यादा जोर लगेगा। आप इस तरह की सीख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आलूओं को अंदर तक गोदें ताकि ये मसाला अच्छी तरह सोख सकें। एक बड़े बर्तन में 1.5 कप दही लेंगे और इसमें 1.5 कप पानी और स्वाद के हिसाब से नमक डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। दही के इस घोल को अलग रख लेंगे। कढ़ाई में तेल अच्छी तरह गरम करेंगे और इसमें आलूओं को मीडियम से हाई आंच पर लाल और करारा होने तक तल लेंगे। कढ़ाई में एक बार में उतने ही आलू डालें जितने आसानी से पलटे जा सकें। बीच बीच में आलूओं को चलाते और पलटते रहेंगे। आलूओं को बस लाल करना है, अंदर तक पकाना नहीं है, इसीलिए आंच मीडियम से हाई ही रखें। आलू तैयार हैं। इन्हें तेल से निकाल कर किचन टिशू पर रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। इसी तरह सारे आलू तल लेंगे। तले हुए आलूओं को दही के घोल में डालकर कम से कम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इन्हें पीस कर अलग रख लेंगे। अब हम लेंगे 5 से 6 मीडियम साइज के टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 इंच पीस अदरक का और सभी चीज़ों को एक साथ पीस कर अलग रख लेंगे। भारी तले के पैन या कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे और उसमें पिसे हुए प्याज डालकर मीडियम आंच पर प्याज लाल होने तक भून लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। जैसे जैसे प्याज की पेस्ट पकती जाएगी, ये इकट्ठी होती जाएगी और इसका रंग गहरा होता जाएगा। प्याज को अच्छी तरह भूने, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे और ग्रेवी में अजीब सा मीठा स्वाद आएगा। प्याज भुनने में 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। आप देख सकते हैं कि तेल छूटने लगा है, प्याज भुन चुके हैं। अब इसमें पिसे हुए टमाटर डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसे ढककर मीडियम आंच पर तेल अलग होने तक पका लेंगे। टमाटर प्याज के इस मसाले को बीच बीच में हिलाते रहेंगे। इस मसाले को अच्छी तरह भुनने में 15 से 17 मिनट का समय लगेगा। अगर मसाला ठीक से नहीं भुनेगा तो ग्रेवी में कच्चा स्वाद आएगा। आप देख सकते हैं कि किनारों पर तेल छूटने लगा है, मसाला तैयार है। आलूओं को दही में भिगोए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। ये दही वाला पानी हम टमाटर प्याज के मसाले में डाल देंगे। एक उबाला आने तक इसे मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। मसाला उबलने लगा है, अब इसमें डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच या स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, पर इससे रंग बहुत अच्छा आता है। इस ग्रेवी में हल्दी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ग्रेवी का रंग पीला हो जाएगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब इसमें आलू डाल देंगे। आलूओं को अच्छी तरह हिला देंगे और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ताकि ये ग्रेवी में पूरी तरह मिल जाए और इसकी खुशबू अच्छी आए। अब इसे ढककर लगभग 20 मिनट तक लो से मीडियम आंच पर पकने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। इस ग्रेवी में हमने दही डाली है। जैसे जैसे दही पकेगी, वो घी छोड़ेगी और घी सब्जी में ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कश्मीरी मिर्च से सब्जी में कितना अच्छा रंग आया है। दम आलूओं को पकते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम आलूओं को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आलू पूरी तरह पक चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादा गले या टूटे नहीं हैं।
पंजाबी दम आलू बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें पूड़ी या चावल के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।